हाय एवरीवन, मैं आज आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम कुछ बैटिंग ड्रिल करेंगे, जिसमें आपको शैडो के बारे में बताऊंगा मैं आपको, जो हम विदाउट बैट भी कर सकते हैं और बैट से भी बताऊंगा आपको, बैक फुट और फ्रंट फुट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑन द स्पॉट जॉग, चेंज, हमें अपनी बॉडी को टायर्ड करना है, थकाना है। तो आप जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। चेंज, आपको हर मोमेंट को एंजॉय करना है, आप बैटिंग करें, फील्डिंग, स्ट्रेचिंग या वार्म अप, उसको एंजॉय करना है। जितना आप एंजॉय करेंगे उतना अच्छा प्लेयर दे पाएंगे। चेंज चेंज, हाई नी, रिलैक्स, एक बार करते हैं। रिलैक्स, हम स्ट्रेचिंग करेंगे, हम जो स्ट्रेचिंग करेंगे हम काउंटिंग के साथ करेंगे। इसमें हम 5 काउंटिंग से करेंगे, 10 भी आप कर सकते हैं, वो टाइम के हिसाब से आप जितना आपका टाइम हो आप उतना कर सकते हैं। और जब भी स्ट्रेचिंग करेंगे आप किसी भी पोस्चर में जाएंगे, आप धीरे से जाना है और धीरे से ही वापस आना है। चलिए ओपन लेग स्लाइटली, गैप रखिए और बैलेंस, जितना आप बैलेंस कर सकें। अब हम क्रॉस अपने लेग टच करेंगे, थोड़ा फास्ट करना है, 10 काउंटिंग के साथ कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेग्स। अब थोड़ा सा हम गैप कम करेंगे, राइट हैंड अप स्ट्रेट और बैंड लेफ्ट साइड, होल्ड करना है 5 सेकंड तक। 1, 2, 3, 4, 5, सेम अदर साइड। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। और जब भी आप स्ट्रेचिंग करेंगे हम नीचे से ऊपर करते हैं या ऊपर से नीचे करते हैं, हमेशा आप ध्यान रखिए। अब हम मिडिल पार्ट करते हैं, इसको पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे हम, जस्ट हाफ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। चेंज, जॉइंट योर फीट, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। नाउ चेंज, नाउ अपर पार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, नाउ एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। नाउ हैंड्स फिस्ट बनाएंगे, स्ट्रेट रखना है तो क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, नाउ एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5. Now change. Palm up. Palm down. Palm up. Palm down. Relax. Now change. You have your fingers clear. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Now neck. 1, 2, 3, 4, 5. Now down. 1, 2, 3, 4, 5. Now change left side. 1, 2, 3, 4, 5. Right side. 1, 2, 3, 4, 5. Now ending. Just lock your finger. Stretch up. Heel up. Now counting 5. 1, 2, 3, 4, 5. आपको balance करना है, आपकी heel up रहेगी, आपको toes पे रहना है। चलिए relax. अब हम जल्दी करते हैं। अब हम सबसे पहले बैट की ग्रिप योगा देख लेते हैं, कैसे पकड़ते हैं बैट को। सिंपल सा फंडा है, अब बैक को नीचे रखिए, अपने दोनों लेग को हैंडल के पास लेकर आइए और आपको हैंडल पकड़ना है, दोनों हाथों को एक साथ लेके जाना है और ज़मीन से टच करते हुए ये ध्यान रखना है कि आपको हैंडल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जब भी आप बैट को पकड़ते हैं
सेंटर से पकड़ना है हैंडल। चलिए ये बैट इतने गैप यहाँ रखना है, इतने गैप यहाँ पे ये, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आप ये सेंटर पॉइंट है आपका, जस्ट वी इस सब समझते हैं। राइट हैंड में बैट पकड़िए, यहाँ से टच कीजिए, ये होल्ड कीजिए, और जो सेंटर लाइन है ये हर बैट में होती है, छोटा बड़ा जो भी हो, ये मैच करते हुए यहाँ लेके आएंगे। सेम वही ग्रिप बनती है। एक और तरीका है, जो ये एज है ये और ये एज है, इसके बीच में आपको हमें दो भी बनाने हैं अपने हाथों से, वन एंड ये टू। चलिए आपकी ग्रिप हो गई है। अब आपका स्टांस, दोनों टोज आपके इक्वल होने चाहिए, गैप होना चाहिए पैरों के बीच में जितना आपके शोल्डर के बीच में है। चलिए वेट 50-50। एक बार टैप करना है, इसे हम टैप कहते हैं। एक बार टैप किया, जैसे आप टैप करेंगे आपके दोनों हाथ पीछे वाली पॉकेट के पास आएंगे। यहाँ पे टैप किया आपने, जी हमने बैट को लिफ्ट करना है, ऊपर करना है, फ्रंट एल्बो सामने पॉइंट करेगी, और ये आपका जो लेफ्ट हैंड है ये टॉप हैंड है और राइट बॉटम है। इसी से आपको बैट पकड़ना है, इसी से आपको टैप करना है, ये जस्ट सपोर्ट करेगा। टैप किया, लिफ्ट करेंगे, और जो आपकी जो बैक लिफ्ट है फर्स्ट लिफ्ट और ऑफ स्टंप के बीच में से आएगी, या ऑफ स्टंप से आ सकती है आपकी, ये इससे क्या आपका बैक बिल्कुल सीधा आएगा। फिर टैप किया, ये आइज लेवल ए और बी शोल्डर, दैट्स इट। अब हम कर लेते हैं, हम थोड़ा हैंगिंग, अब मैं आपको दिखा दूँगा करके हैंगिंग बॉल हम कैसे करते हैं। हैंगिंग बॉल पहले हम बैकफुट कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, बैकफुट हमेशा ऑफ स्टंप से हम क्रॉस जाते हैं, पीछे वाला पैर लेके जाएंगे बॉल के पीछे, और ये पैर पैलन होना चाहिए लाइक दिस। जैसे आपका पैर पीछे जाएगा आपकी बैकफुट, आपका बैट भी पीछे जाएगा, अप जाएगा, और जो फ्रंट एल्बो है ये बॉल को पॉइंट करती है, और हेड आपका यही रहेगा, ये अभी पीछे गया, और ये पैर ड्रैग करेंगे हील के पास, देन पंच। चलिए और बैंड होके जाना पीछे, जब भी आप करेंगे बैंड होके जाना है, जब भी आप करेंगे बैंड होके जाना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक बार हल्का पंच करना है, बॉल को आने दीजिए, लेट द बॉल कम, और ज़्यादा तेज आपको हिट नहीं करना है, आपको जस्ट टैप करना है, बॉल को आने दीजिए, बॉल को आते हुए देखिए और फिर जाते हुए देखिए, बॉल को बॉडी के क्लोज आने दीजिए, बैंड होके, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉरवर्ड डिफेंस या फॉरवर्ड ड्राइव। चलिए देखिए, सॉफ्ट हैंड से काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हेड आपका यहीं रहेगा। थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ, घर में आप शेडो कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, अगर बैट है आपके पास, लेकिन जब शैडो करेंगे आप, आपको फील करना है कि मुझे बॉलर होल्ड आ रहा है। आपने टैप किया, प्रॉपर स्टांस लिया, बॉलर आया और मैंने ये डिफेंस किया, सी आपका पीछे वाला पैर स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइक दिस, ये है टर्न नहीं करना, अगर टर्न करते हैं तो आपकी बॉडी ओपन हो जाएगी, ये देखिए ये पैर आपकी बॉडी को साइडवेज रखता है, क्रिकेट साइडवेज गेम है। फिर से आप देखिए करो, आप घर में आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10 टाइम स्ट्रेट डिफेंस कवर पे कर लीजिए और ऑन साइड पे। अब मैं आपको बताता हूँ विदाउट बैट, अगर आपके पास बैट नहीं है तो आप विदाउट बैट भी कर सकते हैं। लॉक योर फिंगर लाइक दिस, ये लॉक योर फिंगर, ये आप बैकवर्ड कर सकते हैं, ये आपको सर्कल बनाना है, ये आप पीछे जाएंगे, 1, 2। देखिए मेरा पैर, देखिए पीछे वाला पैर, 1, 2, 3।
आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, वन टू ऐसे आप फॉरवर्ड हेलो वन टू, लेकिन लेकिन आपको बॉल फील करना है कि आप बॉल आपके पास ही आ रहा है। चलिए अब हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको मैं कुछ और बताऊंगा। आई होप यू आप पसंद आएगी। नमस्कार।